الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ये सूरतु ज़ुख़रुफ की 16 नंबर की आयते करीमा है। अल्लाह ताला के पाक इरशाद का खुलासा है, क्या उस अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से तुम्हारे ख्याल में अपने लिए बेटियां पसंद की हैं और तुमको चुन करके बेटे दे दिए। وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ। हालांकि उनमें से किसी को जब उस बेटी की विलादत की खुशखबरी दी जाती है जिसकी वो अल्लाह रहमान के लिए मिसाल बयान करता है, तो वो इतना नाराज होता है कि उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो दिल ही दिल में घुटता यानी गमजदा रहता है। गोया उन लोगों को बेटी से बहुत नफरत थी। अवमयुनशउ फिल हिलियति व हुवा फिल खिसाम गैर मुबीन। और क्या वो लड़की जो जेवरों में परवरिश पाती है, जेवरों में पाली पोसी जाती है और जो बहस मुबाहसे में आदतन अपनी बात साफ तौर पर बता भी नहीं सकती। गोया अरब के लोगों को लड़कियों से बहुत जो है नफरत थी। وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ। اور اس کے علاوہ ان کافروں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمان کے بندے یعنی مخلوق ہیں औरतें मान रखा है। क्या वो काफिर लोग इनका इन फरिश्तों की पैदाइश के वक्त मौजूद थे? अब उनकी शहादत को यानी इनकी बेदलील दावा लिख लिया जाएगा और उनसे कयामत के अंदर पूछा जाएगा। वकालू लौ शा अर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिदालिक मिन इल्म इन्हुम इल्ला यखरसून। और ये काफिर यूं कहते हैं
कि अगर अल्लाह रहमान चाहते तो हम उन फरिश्तों की कभी इबादत नहीं करते, यानी अल्लाह ही हमको ज़बरदस्ती रोक देते। उनको इस बात की हकीकत का ज़रा भी इल्म नहीं है, यानी दुनिया में बंदे को कोई काम तकदीरी फैसले के मुताबिक करने देना, इस बात की उनके पास कोई दलील नहीं है। अल्लाह ताला उस काम से राजी है, हर तकदीरी फैसले पर अल्लाह का राजी होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो सब काफिर लोग, तर्जुमा, वो सब काफिर लोग तखमीने ही किया करते हैं, बगैर तहकीक के बात करते हैं। अम आतैनाहुम किताबं मिन क़ब्लिह फहुम बिही मुस्तमसिकून, क्या हमने उन मुशरिकों को इस कुरान से पहले कोई और किताब दी थी कि उन्होंने उसको मजबूत पकड़ रखा हो। दूसरा तर्जुमा, वो इस किताब से शिर्क पर इस्तिदलाल करते हो। वकदालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिक फी क़रियतिन मिन नदीर इल्ला क़ाल मुतरफूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मा व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून। और इसी तरह ए नबी, हमने तुमसे पहले जब भी किसी बस्ती में डर सुनाने वाला पैगंबर भेजा तो वहां के खुशहाल यानी दौलत वाले अय्याश मालदार लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, हम भी उन्हीं के कदम के निशानात पर राह से लगे हुए हैं। قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون। उस पर उस उनसे उस नबी ने कहा कि जिस तरीके पर तुम अपने बाप दादों को पाया है, जिस तरीके पर तुमने अपने बाप दादों को पाया है, क्या अगर मैं तुम्हारे पास इससे ज्यादा हिदायत की बात लेकर आया हूं, उससे ज्यादा अच्छा तरीका लेकर आया हूं, तब भी बाप दादों के गलत तरीके पर चलोगे? तब वो काफिर लोग कहने लगे, तुम जो पैगाम यानी दीन देकर भेजे गए हो हम उसको मानने वाले नहीं हैं। फंतकमना मिन्हुम फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, नतीजा ये हुआ कि हमने उन काफिरों से बदला लिया, सो अब देख लो जुठलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। सुभान अल्लाह। अरब लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटी कहते थे, कितनी बड़ी गुस्ताखी वाली बात सोचो। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है, और ये मुशरिक लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। हालांकि हमारा ईमान है अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह की कोई बीवी नहीं, अल्लाह का कोई जोड़ नहीं, अल्लाह की जात औरत बीवी जोड़ बच्चों से पाक है। लेकिन इन लोगों ने कितनी बड़ी गुस्ताखी की, कितनी बड़ी बेअदबी की कि अल्लाह ताला के लिए ये लोग बेटियां मानते हैं और फरिश्तों को कहते हैं कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। अजीब बात सुनो, उस जमाने के अंदर अरबों के अंदर लड़कों से बड़ी मोहब्बत होती थी, लड़कों से बड़ा प्यार होता था और लोग लड़कियों से नफरत करते थे।
लड़कों से प्यार और लड़कियों से, लड़कों से नफरत और लड़कियों से प्यार, ऐसा नहीं। लड़के उनको बहुत अच्छे लगते थे और लड़कियां बहुत बुरी लगती थी। वो क्या समझते थे? लड़का बड़ा होगा बाप को कमा के खिलाएगा, लड़का बड़ा होगा बाप की खिदमत करेगा, लड़का बड़ा होकर बाप के साथ जंग में लड़ाई में हिस्सा लेगा, लड़का बड़ा होगा बाप का नाम चमकाएगा। इसलिए वो लड़कों से बहुत मोहब्बत करते, लड़कों से बहुत खुश होते थे, लेकिन लड़कियों से बड़ी नफरत, बड़ी नफरत। का ये लड़की को मेहनत करके कमाने का, खिलाने का, पिलाने का, बड़ा करने का और शादी करा के दूसरे को दे देने का, बस ये चीज उनके लिए बुरी नफरत की थी। दूसरी बात वो क्या कहते थे? दामाद जमाई आएगा और उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। ये गलत चीज उस जमाने के अंदर अरबों में आम थी। यहां तक लोगों का हाल था कि अगर किसी के यहां लड़की पैदा होवे और उसको कोई खबर देवे, भाई मुबारक हो, मुबारक हो तेरे यहां अल्लाह ने लड़की दी, तो वो है ना एकदम आउट मूड हो जाता था, एकदम आउट मूड, उसका मूड बिगड़ जाता था, मूड खराब हो जाता था, नाराज हो जाता था। और इतना नाराज होता था कि दिल दिल के अंदर घुटने लगता था और चेहरा उसका काला पड़ जाता था। यानी कोई भी देखे तो पता चल जावे कि आदमी टेंशन में है, यह आदमी उलझन के अंदर है, टेंशन के अंदर है, देखते ही पता चल जावे। तो बेटियों से इतनी नफरत थी कि अगर किसी को बेटी पैदा हुई ऐसी खबर देवे तो वो नाराज हो जाता, दिल दिल में घुटने लगता था और उसका चेहरा काला पड़ जाता था। अजीब, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लड़की के पैदा होने को पसंद नहीं करते। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। औरत जब प्रेग्नेंट होती है ना, हमल में होती है, तब सोनोग्राफी कराते हैं। और अगर रिपोर्ट आया कि फीमेल है, लड़की है, तो बच्चा गिरवा देते हैं। कितना बड़ा जुल्म करते हैं ये जालिम लोग, कितना बड़ा गुनाह करते हैं जालिम लोग। लड़की अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान में अल्लाह ने जहां नेमत बयान की वहां लड़की को पहले नंबर पर बयान किया। यहां बोली मैया शाह इनाथा, फर्स्ट नंबर पर लड़की, खुदा की नेमत। और जिसके घर में पहली सुआवड़ में, पहली विलादत में लड़की पैदा होवे, वो औरत बड़ी बरकत वाली औरत है कि उसके पेट से पहली मर्तबा में लड़की पैदा हुई। इसलिए लड़कियों से मोहब्बत करो, दुश्मनी मत रखो। प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में से आते तो पहले बेटी फातिमा की मुलाकात करते, सुभान अल्लाह। और आगे औरतों की जेवरात की बात बयान की गई, औरतों को जवेरात की जरूरत पड़ती है, औरतों के जाहिरी हुस्न, जाहिर की खूबसूरती के लिए जवेरात, ताकि शोहर का दिल खुश होवे। जवेरात मर्दों के लिए नहीं है, मर्द के अंदर तो कमालात होने चाहिए, खूबियां होनी चाहिए, उसके दिल में, उसके बातिन में कमाल और खूबियां होनी चाहिए।
मर्द को जेवर की जरूरत नहीं पड़ती। तेना बाद जमाना ऐसा आ गया, मर्द भी जेवर पहनते हैं। अजीब दौर आ गया, अजीब दौर आ गया। हाथ में देखो कड़ा पहनेंगे, चेन पहनेंगे, गले में पहनेंगे, कान में पहनेंगे। लड़के गलत है, ये सही काम नहीं है, जायज काम नहीं है। तो औरत के लिए जेवरात को इस्तेमाल करना शरीयत के तरीके के मुताबिक जायज है, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि हर वक्त जेवरात 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 के चक्कर में नहीं रहे। सुबह शाम बनाओ सिंगार, इसके चक्कर में न रहे। और बाज तो यूं फरमाते हैं, जवेरात को इस्तेमाल करना ये अकल के अंदर और राय में कमजोरी की निशानी है। जिसकी अकल कमजोर राय कमजोर वो जवेरात इस्तेमाल करे। अब अल्लाह ने मर्द को तो मजबूत राय वाला बनाया है, उसको जवेर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत। और आगे क्या फरमाया, وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ। आम तौर पर औरतों का हाल ये है कि वो अपनी दिल दिमाग की बात को पूरे तौर पर नहीं बतला सकती, अपनी बात अपना दावा पूरी दलील के साथ बयान नहीं कर सकती, अपनी बात साबित नहीं कर सकती। आम तौर पर औरतों का ये हाल है। कभी कोई औरत होवे ऐसी जोरदार बोलने वाली, वो अलग है, ऐसी होती है बाज औरतें, वरना आम तौर पर औरतें बात खुल के नहीं बोल सकती, अधूरी बात कहती है, फजूल बातें मिला देती है, ऐसी फजूल बात कि जिसका मकसद के साथ कोई ताल्लुक ना हो ऐसी फजूल बात मिलाएगी, अधूरी बात बोलेगी, पूरी वजाहत के साथ खुलकर बात नहीं बोल सकती। ये आम मिजाज है औरतों का। और ऊपर से एक गलत बात इन्होंने कही। देखो इस दुनिया की अल्लाह ने जो तकदीर बनाई तो हरेक की तकदीर से अल्लाह खुश होवे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। और अगर अल्लाह ताला, वो यूं कहते थे कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो हम शिर्क कुफ्र न करते। अल्लाह ने तो अपनी चाहत बतला दी नबियों को भेजकर आसमान से किताब उतार कर कि इस दुनिया में मैंने ईमान भी पैदा किया कुफ्र भी पैदा किया, अब तुम्हारी मर्जी, ईमान कबूल करो कि कुफ्र कबूल करो। मैं ईमान से राजी होऊंगा, कुफ्र से नाराज होऊंगा। यह हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। अब देखो दुनिया के अंदर जहर भी है शहद भी है, तो आप जहर तो नहीं पीते हो, शहद क्यों पीते हो? गंदगी भी है खुशबू भी है, आप खुशबू लगाते हो, गंदगी क्यों नहीं लगाते हो? दुनिया है, दुनिया में अल्लाह ने हर चीज पैदा की, कुफ्र बनाया, शिर्क बनाया, ईमान बनाया, ये तकदीर का फैसला है। अब कोई आदमी अपनी मर्जी से कुफ्र करे शिर्क करे तो अल्लाह ताला उसके कुफ्र शिर्क से हरगिज राजी नहीं होंगे, अल्लाह उसके कुफ्र शिर्क से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। आगे फरमाया गया कि कुरान से पहले अल्लाह ने उनको कोई किताब दी है?
मक्का वालों को, अरब वालों को, कि उस आसमानी किताब में यूं लिखा हुआ हो कि नऊज़ुबिल्ला तुम शिर्क करना, तुम कुफ्र करना। कोई किताब अल्लाह ने ऐसी नहीं उतारी जिसमें कुफ्र शिर्क लिखा हुआ हो। जितनी भी किताबें आसमान नहीं आई वह अल्लाह के यहां से आई, हर किताब के अंदर एक अल्लाह की इबादत की बात लिखी हुई है, बयान की गई है। इसलिए जो लोग वेद का डीप में रिसर्च करते हैं, वेद को पढ़ते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि पूरे वेद के अंदर कहीं बुत परस्ती और शिर्क की तालीम नहीं है, ऐसा कहते हैं वेद पढ़ने वाले। तो अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें नबियों पर भेजी, अपने यहां से भेजी, उसमें कहीं शिर्क और कुफ्र की बात नहीं फरमाई। अभी लोग कुफ्र शिर्क क्यों करते हैं? कहते हैं कि हम तो हमारे बाप दादों के तरीके पर चल रहे हैं, हमारे बाप बुत परस्ती करते थे इसलिए वो भी बुत परस्ती कर रहे हैं, बाप काफिर थे तो हम भी काफिर, खानदान में चला आ रहा है ऐसा। तो बाप दादे बैलगाड़ा चलाते थे तो तुम क्यों एरोप्लेन उड़ाते हो? बाप दादे झुपड़े में रहते थे, तुम क्यों बंगले में रहते हो? तो बाप दादे के तरीके पर चलना ये कोई दलील नहीं है। बाप दादे जाहिल, अनपढ़, उनको कुछ मालूम नहीं, उनको कुछ खबर नहीं, उनको कुछ पता नहीं। आदमी है ना बहुत गरज मतलब ही, अपने मतलब की बात आती है, कहते हमारे खानदान में ऐसा है, जहां अपनी मर्जी के विरुद्ध में खिलाफ में आता है तो कहता है कि हमारे बाप दादे के जमाने से ये सब चलता है लेकिन सब सही नहीं है, गलत है, ऐसा होना चाहिए। मतलब परस्त है ये इंसान, अजीब अजीब लोगों की बुराई की बुनियादें हैं सब अटकल अंदाज। पिछले जमाने के अंदर यानी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने जितने नबी भेजे, जितने पैगंबर भेजे, जब भी अपनी कौम को ईमान की दावत देते थे तो रुकावट कौन बनता था? अय्याश लोग, मालदार लोग, सेठ लोग, बड़े लोग, दौलत वाले लोग, ये रुकावट बनते थे। वो क्या कहते थे? हमने हमारे बाप दादों को एक तरीके पर पाया है यानी कुफ्र के, शिर्क के, उस पर हम तो चलते रहेंगे। हालांकि नबी बाप दादों के तरीके से भी अच्छा तरीका लेकर के आए, बाप दादाओं के गलत और गुमराह तरीके से हटकर बेहतरीन तरीके नबी लाए, लेकिन वो मानते नहीं, इनकार करते हैं। जब नबी की बात मानते नहीं, इनकार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर अजाब आता है। अल्लाह ताला उनको अपने यहां से अजाब के अंदर पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं अल्लाह अजाब में। इसलिए एक बात आज की इस मजलिस के हवाले से अच्छी तरह समझ लो, आज बहुत सारे काम ऐसे हैं कि लोग के पास कोई दलील नहीं, बस एक ही दलील कि ये काम तो बाप दादे के जमाने से हम लोग कर रहे हैं, हमारे खानदान का रिवाज है, हमारे खानदान में रस्म है, हमारे खानदान का फैमिली का तरीका है। अगर वो काम शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, नबी की हदीस और सुन्नत शरीयत के खिलाफ है, उस काम को छोड़ दो, चाहे बाप दादों का तरीका हो, चाहे खानदान का तरीका हो, खानदान का रिवाज हो, अपने महल्ले का रिवाज हो, अपनी बस्ती का रिवाज हो, कोई भी चीज शरीयत के खिलाफ है हम नहीं करेंगे। रस्म रिवाज किसको कहते हैं?
दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी के तरीके के खिलाफ जो काम चल रहे हैं खानदानों में, कुटुंबों में, फैमिलियों में, इलाकों में, शहरों में, लोगों में, वो काम कहलाते हैं रस्मों रिवाज। बस ये रस्मों रिवाज है ना, दीन नहीं है, ये दीन से अलग थलग कोई नई चीज है। अल्लाह इस तरह के रस्म और रिवाज से हम सबको बचने की और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है शरीयत, दीन, इस्लाम, ईमान, ये सबसे बड़ी चीज। और जैसा आयत में फरमाया गया, बच्चियों से मोहब्बत रखो, बेटियों से नफरत मत रखो, बेटियों की पैदाइश को खुशी की चीज समझो, अल्लाह हम सब से राजी हो जाए, हमें इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।